भाई नेमत ने मेरा ताल्लुक खुलवाया। मैं बाय प्रोफेशन सर्जन हूँ और 25 साल से अपने फैमिली बिजनेस में हूँ। हम स्पोर्ट्स फूड का हमारा बिजनेस है, यानी लास्ट के लिए हम फुटबॉल बनाते हैं और कई वर्ल्ड कप में हमें फुटबॉल हमारे फुटबॉल को खेलने का बनाए हुए फुटबॉल को खेलने का एजाज हासिल हुआ। उसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स वेयर का भी एक बिजनेस है, हमारी फैमिली का एक मेडिकल कॉलेज है, दो हॉस्पिटल हैं, उसके अलावा हमारा इंटेंटिंग का बिजनेस है और ये मेरा छोटा सा बिजनेस ताल्लुक है। इससे बड़ा जो मेरा ताल्लुक है वो ताल्लुक है मेरे शहर का, मेरे डिवीजन का, गुंडामारा डिवीजन का, शाहकोट शहर का और शाहकोट चैंबर। मेरे डिवीजन ने, मेरे शहर ने, मेरे चैंबर ने मुझे यहां पर भेजा है। हमारा शहर शाहकोट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान पर एक छोटा सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन लेस देन मिलियन है, लेकिन वो सबसे पर कैपिटा इनकम में पूरे पाकिस्तान में सबसे बढ़कर है। और जी प्लीज, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि नौमान मींस बिजनेस, आई वुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कल जो आप लीडर चुनेंगे वो लीडर आपकी रिप्रेजेंटेशन का अहम होगा। कल का आने वाला आपका प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट होगा। हमारे शहर ने, हमारे चैंबर ने जो एक मॉडल चैंबर के तौर पर पूरे मुल्क में जाना पहचाना जाता है वो एक ख्वाब देखने वाले लोगों का चैंबर है। वो मुख्तलिफ ख्वाब देखे, उन्होंने किसी दौर में ट्राईपोर्ट का ख्वाब देखा और उससे फिर रन भरे, फिर एयरपोर्ट का हाथ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर शाहकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप जैसे कई दोस्त एयर सियाल पर लाहौर से, इस्लामाबाद से यहाँ पर आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इसका हाथ भी चंद साल पहले यहीं पर यूबीजी के एक मीटिंग में हमारे लीडरशिप रियाज साहब ने देखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी शर्मिंदा एक काफी थी। ये प्रोजेक्ट हमारे, इनकी वजूहत सिर्फ दो है, हम मिलजुल कर काम करते हैं और मेरिट पर फैसले करते हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट्स बॉय प्रोडक्ट है हमारे मिलजुल कर काम करने के और हमारे मेरिट पर काम करने के। इस शहर का सबसे बड़ा ख्वाब, इस एरिया का सबसे बड़ा ख्वाब वो ये है और उस ख्वाब का अमीन मुझे बनाया गया। जो सबसे बड़ा ख्वाब है वो मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल का है, प्रॉस्पेरिटी का है। हमारी लीडरशिप ये समझती है, हमारे डिवीजन के लोग ये समझते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर के लिए जो बेस्ट अवेलेबल पोर्टल, जो बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो FPCCI का है। इसके लिए मुझे क्यों किया गया, मेरी ये सातवीं आठवीं दफा है एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर। उसके अलावा वैश्विक इंटरनेशनल फोरम्स पर मुझे सियालकोट की और चैंबर की रिप्रेजेंटेशन का एजाज हासिल है।
मैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कोटिंग गुड्स एंड इंडस्ट्री का डायरेक्टर हूँ और लाइफ लॉन्ग ऑनरी डायरेक्टर भी हूँ, इस एक्टिविटी बोर्ड पे भी हूँ जो कि प्रीमियर पार्टी है स्पोर्ट्स में दुनिया भर। मुझे चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन प्रोग्राम का स्पीयर करने का भी एजाज हासिल है जो कि इंटरनेशनली प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक्नॉलेज किया कि ये ओनली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइड चाइल्ड लेबर जनरेट करने का। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क की इकॉनमी की हालात ठीक है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसको $30 बिलियन को टच कर रहा है, हम 230 मिलियन पॉपुलेशन का मुल्क है, हम इस रेवेन्यू बेस्ड इकॉनमी पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमने सर्वाइव करना है, अगर हमने आगे बढ़ना है और अपने ज्योग्राफी को अपने जियोग्राफी को बरकरार रखना है तो हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। उसके लिए हमें अपनी इकॉनमी को चेंज करना है, हमें रेवेन्यू बेस से सेक्टर बेस इकॉनमी में जाना है और बेहतर ये होगा कि सेक्टर बेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन मॉडल अवेलेबल है वो गुजरावाला डिवीजन और उसमें क्या को है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिवीजन तकरीबन $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है और $6 बिलियन से ज्यादा जिसमें गुजरावाला का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता है। ये मिलजुल कर पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मैं इस मामले में ट्रेन मुझे जुर्म किया आपका कल इम्तिहान कि आप किस तरीके का माइंडसेट इस मुल्क में चाहते हैं। मैं एक ऐसे माइंडसेट से आ रहा हूं कि जो ट्रेड डेफिसिट को कम करने का है। मेरे ऑपोनेंट्स उस माइंडसेट से आ रहे हैं जो कि ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाने का है। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, वो कंज्यूमर मार्केट बनाना चाहते हैं, हम मिलजुल कर काम करने के आदी हैं, वो अपने तल्लुकात और अपने इंडिविजुअल तल्लुकात को बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाने के आदी हैं। मेरे साथियों, जब 365 दिन के बाद मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक आऊंगा सदर के तौर पर उसके बाद जब अगले साल मैं जाऊंगा तो यहां पर इंशाअल्लाह ताला फेडरेशन का कल्चर चेंज होगा। हम फेडरेशन को मिलजुल कर एनेबल करेंगे, हम एम्पावर करेंगे, हम लिंकेजेस क्रिएट करेंगे फेडरेशन के और ट्रेड बॉडी के दरमियान में, हम इसको एक एपेक्स बॉडी बनाएंगे। इट हैज बिकम जस्ट अनदर चैम्बर, किसी शहर के चैम्बर और फेडरेशन के चैम्बर में तो फर्क मौजूद नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला इस फर्क को वाजे करेंगे। मेरे जो अपोनेंट है वो इस फेडरेशन में एक दिन के लिए भी कभी जीवी मेंबर के तौर पर भी नहीं आए, वो एक पैराट्रूपर है, वो पहली दफा फेडरेशन में आ रहे हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे दोनों लीडर मुनीर भाईजान और मर्द प्रभात साहब यहां पर मौजूद है, मुझे उनकी पूरी आशीर्वाद हासिल है। इंशाल्लाह ताला अगर मैं प्रेसिडेंट होऊंगा तो मैं प्रोटेमी और प्रॉक्सी प्रेसिडेंट नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे आने वाले मेरे अपोनेंट खुदा खास्ता अगर वो कामयाब हुए तो वो उनको कोई तजर्बा नहीं है, वो प्रॉक्सी डमी प्रेसिडेंट हो। आपने फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या एक डमी पपेट चाहते हैं या इनेबल लीडर चाहते हैं। साथियों, मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त करने की जहां सरकार की जिम्मेदारी है वहां हमारी भी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। ये सड़कों पर जाने वाले जो मजदूर हैं, जो हमारे गरीब गुरबा हैं,
वो नहीं जानते कि उनके इन हालात का जिम्मेदार कौन है। जहां सरकार इसकी जिम्मेदार है वहां पर हम बिजनेस कम्युनिटी की जिम्मेदार है। हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। हमें तजर्बा है, मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं बात करने का हुनर जानता हूं। हम सरकार के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे आपके साथ मिलकर आपकी सवालशात को इस तरीके से सरकार के साथ डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी मुश्किलात का हल हो, जिसमें लिंकेजेस क्रिएट हो डिफरेंट ट्रेड बॉडीज के दरमियान, सरकार के साथ लिंकेजेस क्रिएट हो और हम एक अपना रोल अदा करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल में। इस वक्त मैं कराची में ठहरा, जो सबसे बड़ा मसला जो हमें पेश करना पड़ेगा आने वाले 2-3 सालों में वो मौजूदा RLNG का क्राइसिस है। इंशाल्लाह ताला आपकी क्यादत, आने वाली क्यादत अदालिया ने हमें मौका दिया तो हम सरकार से डिस्कस करेंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आगे कभी ना हो। इसमें एनर्जी में और एनर्जी में इंशाल्लाह ताला एक प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा और हम उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ये जो फ्लक्चुएशन प्राइसेस है इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम करने की भी कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सदर का जो है वो पहिया चलेगा, सदर का पहिया चलेगा तो लोगों में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और इंशाल्लाह ताला ये मेरे एजेंडे में है कि हमने इस पर काम करना है। इसके अलावा हमारे तमाम मुल्क में बिजनेसमैनों को माफिया, डाकू और मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। यहां पर बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉस हैं। हमारे ऊपर कोई भी बिजली वाला भी, पानी वाला भी, गैस वाला भी हमारे ऊपर क्रिमिनल केस जिससे करवा सकता है, FIR करवा सकता है। इंशाल्लाह ताला जो मेरी प्रायोरिटी के एजेंडे में होगा वो ये होगा कि अगर खुदा खास्ता किसी बिजनेसमैन पर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रही है तो वो हर शहर में, हर जिले में एक कमेटी हो, उससे पहले वेट हो और बिजनेस रिलेटेड मैटर में उसके बाद उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर हो। अगले साल जब जुबली अगले इलेक्शन के लिए जाए तो मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं, मेरे पास एक बेहतरीन टीम है, हरीफ गोहत है, मेरे शबाब है, फुरकान है, दानिश है, जवाद काजमी है, मेरे पास जमालुद्दीन है, काजी अकबर है, मोहसिन है और न्याज साहब है और मेरी बहन रोसाना है और याकूब साहब है। मैंने सभी का मैं बता दूंगी मलिक सोहेल है, मलिक सोहेल है मेरे पास ये बेहतरीन टीम है। नेक्स्ट ईयर जब मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा, जब अपनी कारगर्दगी बता रहा हूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम चीजों की मैं जिम्मेदारी हूं। मैं कोई उस्म नहीं पेश करूंगा, कोई मेंशन चर्निंग ऑफ वर्ड नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला आप अपनी टीम पर और अपने इस भाई पर आप फख्र करेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल में, इस फेडरेशन के रिवाइवल में हम अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। मेरा आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरिट पर वोट दीजिए, मेरिट पर समय वोट दीजिए और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्तों में आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत ही शुक्रिया। एक बार फिर पुरजोर टाइम पे मिलना हमारे